तो सबसे पहले एक मॉडुलस फंक्शन का अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? जैसे सोचो ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिन से और पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2D प्लेन मान लो अभी तत्काल आपके, आप अब सोचो कोई पॉइंट है कहीं पे, उसका उस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अभी तो अपन बात करेंगे सिर्फ रियल एक्सिस के बारे में। जैसे रियल एक्सिस यहाँ पे ले लो एक्स वाला, एक्स एक्सिस ले लो, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पे ये ओरिजिन है, अब इस पॉइंट से डिस्टेंस अपन देख रहे हैं, चाहे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलो या फिर निगेटिव वाले डायरेक्शन में चलो, ठीक है ना। अब सोचो एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,0, और एक यहाँ पे ले लिया, ये क्या है 2,0। अब बताओ अगर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो क्या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है? निगेटिव में तो आप बोलते हैं ना जो निगेटिव डिस्टेंस होता है, नहीं होता है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो बताओ ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? क्या ये 2 है यूनिट यस सर, और टू ये भी क्या है, यूनिट्स 2 यूनिट है, टू है यस सर। ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या फिर ऐसा बोल सकते हैं नॉन निगेटिव, 0 हो सकता है। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं, द मॉडुलस, या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर डिस्टेंस फ्रॉम 0 या फिर ओरिजिन लिख लो। ये अपन ना उसमें भी पढ़े होंगे, जैसे तुम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए होगे काइनेमेटिक्स में, नहीं उसमें भी डिस्टेंस निकालते होगे ना, डिस्टेंस यस दो सर, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो क्या उसमें स्क्वायर रूट ऑफ ये लिखते हो और फिर बाद में क्या लिखते हो, मॉड, जैसे डिस्टेंस हमने निकाला और डिस्टेंस आ गया यहाँ पे √9, और आपको पता है स्क्वायर रूट वैसे कितना देता है, पॉजिटिव ही देता है, तो ये क्या होता है 3 आता है, नहीं ऐसा लिखते हैं। यस सर, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये आ गया a², तो अपन क्या लिखते हैं बाहर, क्या आएगा, क्या ये मॉड ए लिखते हैं? यस सर। ठीक है। अब चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं, जैसे मॉड एक्स हो तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए। मॉड एक्स है तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए? √x² नहीं, अब देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे -2 का जो मॉड होता है ये क्या लिखते हैं अपन, 2 लिखते हैं, क्लियर है सबको। यस सर, तो अब सोचो यस सर, अगर इसमें अगर निगेटिव था तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये 2 के इक्वल हो जाएगा, यस बताओ सर, ऐसा लिखोगे। यस अब सर, सोचो अगर यहाँ पे mod 2 लिखा हुआ है तो इसको तो डायरेक्ट बाहर 2 लिख सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ इसमें अगर अंदर वाला पार्ट अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो क्या बाहर सिर्फ डायरेक्ट x आ जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर, अगर अंदर यस वाला सर, पार्ट यस लेस सर, देन 0 हो तो क्या अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखें? देखो तो यहाँ पे जैसे क्या था, -2 का मॉड अपन ने 2 लिखा तो क्या अपन लिख सकते थे, जो -2 है अपने को पता है वो निगेटिव है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वो पॉजिटिव बन जाएगा, यस बताओ सर, ऐसा लिख सकते हैं। और mod 0 जो होता है ना वो भी क्या आता है, 0 आता है, यानी कि मॉड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। चलेगा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हेलो, ठीक है ना, यस सर। सर अगर कोई इमेजिनरी यस सर, नंबर का ठीक मॉड लेंगे तो? ओके है, अपन सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, सर, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, जैसे आपने लिखा -2 का मॉड और 2 का मॉड, ये जो है ना ये इक्वल है, कितना आ गया, 2 आ गया।
तो क्या यहाँ से एक अपन ये भी बोल सकते हैं जो भाई मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, क्या ये मॉड ऑफ एक्स बोल सकते हैं? सर वैल्यू इक्वल होगी ना? अच्छा ठीक है यस सर। हाँ तो वैल्यू इक्वल होगी तभी तो ऐसा लिख सर, पा रहे हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो आपने मॉड एक्स को डिफाइन करना तो सीख गए। अब सोचो इस मॉड के अंदर अपन जनरलाइज करें, हमने बोल दिया इस मॉड के अंदर नहीं ये बॉक्स है डब्बा, इस डब्बे में कुछ भी रखा हुआ है, तो क्या इसको अपन ओपन कर सकते हैं ऐसे? अगर डब्बा आकर अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या बाहर डब्बा आ जाएगा? यस सर। ठीक है, अगर डब्बा जो है वो अगर लेस देन जीरो हो तो क्या बाहर माइनस डब्बा आएगा? माइनस कर दो। क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये हमने इसको जनरलाइज कर दिया। अब आपके मन में ख्याल आएगा चलो अगर मॉडुलस फंक्शन है तो अपन इसके रेंज और डोमेन के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे ये y इक्वल्स टू मॉड एक्स है तो इसका डोमेन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन होता है, ये अपन बात कर लेते हैं इसमें। तो बता दो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? डोमेन, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगा, रेंज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसने बोला जो डोमेन जो है ना वो x बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि सारे x के लिए डिफाइन होगा। सबको क्लियर है? और रेंज yes. क्या होता है, इस पे जो आउटपुट आ रहा है, देखो तो आउटपुट क्या हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो क्या? अपन रेंज बोल सकते हैं जो रेंज बिलोंग्स टू क्या जीरो टू इंफिनिटी, चलेगा? यस सर। यस सर। तो हमें इसका रेंज भी पता चल गया और डोमेन भी पता चल गया। अब ऐसा करते इसका थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ क्या होता है इसका। तो चलो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे, जहां पे आपको लगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पूछना है। ओके बता देते हैं, ऐसा करते हैं ग्राफ से ही रेंज के बारे में और बात कर लेंगे अच्छे से। जैसे y इक्वल्स टू मॉड x है, ठीक है। अब हमने बोला जो देखो यार ये जो मॉड x है ना, इसको तो आपने डिफाइन कर लिया, आपने बोला जो x होगा कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, और माइनस x होगा कब, इफ x लेस देन जीरो के लिए। और बचपन में आप थोड़ा बहुत तो ग्राफ ड्रॉ करना तो जानते ही होगे ना, पॉइंट्स वॉइंट्स निकाल के इतना तो सीखे ही होगे, नहीं रहता है ग्राफ वाला पार्ट। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब सोचो ये आपका जीरो है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो वो बोला जो फंक्शन मतलब ग्राफ जो किसका ड्रॉ करेंगे अपन, y इक्वल्स टू x का। क्या देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो आउटपुट क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू x आ रहा है, बताओ। हेलो yes, तो y equals to x line का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, y equals to x line मान लो एक पॉइंट ले लो 0.0 जीरो ले लो, x अगर जीरो लेंगे तो y जीरो आएगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। स्लोप चलो स्लोप तो उतना सबको पता नहीं होगा, तो अपन ऐसा करते हैं बिल्कुल बच्चों टाइप का ही सोच लेते हैं क्योंकि तुम लोग हो 11th वाले। सोचो ये x है ये y है, अगर x अपन 0 रखे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x अपन 1 रखे तो y भी 1 आएगा, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। एक देखो ओरिजिन तुम्हारा 0.0 है और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे ये 1.1 है, तो अब स्केल से अगर तुम मिलाओगे इसको तो क्या तुम कह सकते हो जो एक ये वाला लाइन आएगा, बताओ। और इस लाइन का इक्वेशन जो होगा क्या ये y इक्वल्स टू x होगा, और ये y इक्वल्स टू x किसके लिए अपन ड्रॉ कर रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब सोचो अगर x लेस देन जीरो है, अगर x लेस देन जीरो है तो क्या अपन उसके लिए कहे थे जो x y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, चलेगा? अब सोचो फिर से एक डब्बा बना लेते हैं अपन, दो पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां से आप बता दो
एक तो x है और ये y है, अगर x अपन माइनस वन रखते हैं तो y क्या आएगा, वन आएगा। अगर x अपन माइनस टू रखते हैं तो क्या ये y टू आएगा, टू आएगा, आएगा। ठीक है, तो बताओ इसका जो ग्राफ होगा कैसा हो जाएगा। सोचो एक पॉइंट तुम्हारा, चलो लाइन पहले ड्रॉ कर लेते फिर बता देते। सेकंड क्वाड्रेंट में यही सेम बनेगा, सेम बनेगा, ऐसा कह सकते हैं। सोचो यहाँ पे ये वन कोमा, सॉरी माइनस वन कोमा वन आया, और यहाँ पे मान के चलो ये माइनस टू कोमा टू आया, ऐसा बोलोगे क्या ग्राफ ऐसा बनेगा। हेलो, यस सर, क्लियर है। और पिछले क्लास में चलो एस थ्री वालों को बताया था इवन और ऑड फंक्शन, नहीं? हेलो, तो क्या कह सकते हैं ये जो फंक्शन है क्या ये इवन फंक्शन है? यस सर। इवन फंक्शन क्या होता है, क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है? तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर अगर मिरर रखोगे तो राइट साइड जो ग्राफ दिख रहा है एज इट इज सेम ग्राफ क्या लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको, बताओ दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर यहां पे मिरर रखोगे प्लेन मिरर तो क्या लेफ्ट साइड जो सॉरी राइट साइड जो ग्राफ बन रहा है क्या एज इट इज सेम ग्राफ लेफ्ट साइड बन रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन भी है, ये आप ऐड कर लो। अब बताओ इसमें आपको दिख रहा होगा जो रेंज इसका क्या बोलेंगे, अब बता दो रेंज क्या बोलोगे इसका, आउटपुट जो है क्या आपको दिख रहा है वो क्या है, जीरो टू इंफिनिटी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही सब कुछ आएगा, क्या ये वाला पार्ट है? यस सर। आउटपुट कभी निगेटिव नहीं आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। तो अब आपको डिफाइन करना तो आ गया ना, जो कैसे अपन डिफाइन करेंगे मॉडुलस फंक्शन को, क्योंकि आपने देखा था मॉड ऑफ एनीथिंग को अपन ने डिफाइन किया था, बोला था जो भाई एनीथिंग होगा कब, इफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और माइनस एनीथिंग हो जाएगा कब, इफ एनीथिंग लेस देन जीरो। क्लियर है? तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं अपन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं जो इसको बस डिफाइन कर दो, मॉड एक्स माइनस थ्री को इसको कैसे डिफाइन करोगे, क्या बोलोगे, क्या एनीथिंग के प्लेस पे एक्स माइनस थ्री है? तो आप लिख दो यहां पे इफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। देखो एनीथिंग के प्लेस पे क्या है, x माइनस थ्री है, क्या ऐसा बोलेंगे इफ x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो बाहर क्या आ जाएगा, एनीथिंग आ जाएगा माइनस थ्री। और अपन बोलेंगे अगर एनीथिंग जो है लेस देन जीरो होगा तो क्या ये माइनस के साथ ओपन होगा, थ्री माइनस थ्री चलेगा। ठीक है, तो यहां से अपन कह सकते हैं ये आ गया x माइनस थ्री इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, और ये माइनस x माइनस थ्री आया कब, इफ x लेस देन थ्री। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो ठीक है भाई इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर दो, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा ग्राफ, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जो है वो कैसा दिखेगा, इसको अपन कह सकते हैं ये आ गया थ्री माइनस एक्स, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। देखो तो ये डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, इसमें डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, क्या ये थ्री पे चेंज कर रहा है, थ्री के आगे कुछ और है और थ्री के पीछे कुछ और है, क्या ऐसा बोल सकते हैं जो ये जो डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो थ्री पे चेंज कर रहा है? सर एक चीज बताइए। हाँ जी पूछिए। अगर मॉड के अंदर माइनस थ्री प्लस एक्स लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब सोचो क्या ये थ्री पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, थ्री के आगे जो है ना यहाँ पे वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एक्स माइनस थ्री हो गया, और थ्री के पीछे क्या हो गया वाई इक्वल्स टू, क्या ये थ्री माइनस एक्स हो गया, बताओ? यस सर।
क्रिटिकल कह रहा है, तो जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज करता है उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। तो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सोचो थ्री तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। अब तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का। क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है? इतना तो आता होगा, ठीक yes, है। तो एक क्या करोगे यहाँ पे, आप रख देते हो जो अगर x इक्वल्स टू अपन थ्री रखे तो जीरो आ रहा है, यानी कि थ्री कॉमा जीरो एक पॉइंट तो मिल गया। अब x का वैल्यू फोर रख लो, फोर पे क्या आउटपुट आ रहा है? तो वन आ रहा है, तो दो पॉइंट मिल गया। उन दोनों पॉइंट को क्या करोगे? मिलाओगे स्केल से, तो क्या एक ग्राफ ऐसा मिलेगा? और ये किसका ग्राफ होगा? तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का। अरे ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है, अब सोचो तो अगर थ्री माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, यानी कि थ्री से जस्ट पहले, थ्री मतलब थ्री से पहले जो है डेफिनेशन क्या है? y इक्वल्स टू थ्री माइनस एक्स है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा? सोचो यहाँ पे अगर x का वैल्यू जीरो ले ले तो क्या y अपना थ्री आ रहा है? बताओ। यस सर। आ रहा है। यस सर। तो एक पॉइंट तुम्हारा तो यहाँ मिल गया, क्या मिल गया? ये जीरो कॉमा थ्री, और एक थ्री कॉमा जीरो है, इन दोनों को मिला दो तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ये वाला, और इसका नाम दे दोगे आप y इक्वल्स टू थ्री माइनस एक्स। चलेगा सर? पिछले एग्जांपल में क्रिटिकल पॉइंट जीरो था, यानी जब आपने y इज इक्वल्स टू x लिया था। हाँ बिल्कुल जीरो था। ओके सर। ठीक है ना, अब इस पे एक मतलब इसको देख के अपन एक आइडिया भी लगा सकते हैं। जो देखो अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब पढ़ेंगे ना वहां पे मैं बोलूंगा। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड x था, अब देखो x के जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया किससे? x माइनस थ्री से। तो क्या उसी सेम ग्राफ को थ्री यूनिट से अपन इधर खिसका दिए राइट साइड? यस सर। यस, और अगर प्लस होता तो फिर प्लस yes, होता तो लेफ्ट साइड लेफ्ट चला जाता। हाँ ये अपन आगे बात करेंगे ग्राफ में। अब देखो ऊपर में क्रिटिकल पॉइंट कहाँ था? तो जीरो था। तो जीरो पे देखो वी शेप का बना, जीरो पे क्या ये वी शेप का बना? हाँ सर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट इसमें कहाँ क्या है? तो थ्री है, तो क्या थ्री पे वी शेप का बन गया? यस सर। हाँ हाँ बोलो सर। उसमें हम लोग सर जिसमें वाई इक्वल टू थ्री माइनस एक्स है, उसमें अगर हम लोग एक्स मान लीजिए वन लिए तो वाई की वैल्यू टू आई। सर इधर अगर पुट करें वो वैल्यू तो सर नहीं जाएगा। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ तुम क्या बोले? y equals to y equal to 3 minus x 3 minus x पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला। ओके ये हाँ, इसमें x की वैल्यू सर अगर 0 लिए थे तो सर y 3 आया था। हाँ, और x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 2 आएगा। तो लेकिन तुम तो पहले यहाँ पे आप ये रख चुके हो ना, जो देखो ये अपन क्या बोले हैं, जो देखो x greater than equals to 3 के लिए अपना जो डेफिनेशन है वो कौन सा है? ये वाला है, और ये less than 3 के लिए है, less than 3 के लिए ये है। ऐसा नहीं है ना जो इसका वैल्यू उसमें रख दो उसका वैल्यू इसमें रख दो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। हेलो हाँ ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलो एक और एग्जांपल अपन कर लेते हैं बच्चों टाइप। आपको प्लॉट करना है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 4 का ग्राफ फटाफट। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करो क्या आ जाएगा वो बता दो, क्या लिखेंगे अपन? क्या ये x प्लस 4 होगा किसके लिए? अपन बोलेंगे if x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये माइनस एक्स प्लस 4 होगा किसके लिए? इफ एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलेंगे, सॉरी लेस देन 0 बोलेंगे, बताओ।
चलेगा? ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं जो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो क्या आ रहा है बता दो। क्रिटिकल पॉइंट फोर कॉमा जीरो माइनस फोर आ रहा है ना, माइनस फोर तो माइनस फोर जो है अपना वो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट यही ना? हाँ क्रिटिक, हाँ हाँ बताओ क्रिटिकल पॉइंट यही होता है ना सर, जिस पे इक्वेशन जीरो हो जाए। बिल्कुल, इसके लिए आप तो यही सोचो जो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होता है पॉइंट जहां पे डेफिनेशन फंक्शन अपना चेंज कर रहा है। तो कहां पे चेंज कर रहा है, देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस 4 रखे तो देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। यहां पे देखो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4 पे अपने को ये मिल रहा है और लेस देन माइनस 4 पे अपने को ये मिल रहा है। तो क्या अपन कह सकते हैं जो माइनस 4 के अराउंड मतलब माइनस 4 पे ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड अलग अलग आ रहा है, ऐसा बोलोगे? बताओ। yes, sir. सोचो ये लाइन है और यहां पे ये x इक्वल्स टू माइनस 4 है, तो माइनस 4 के राइट साइड जो है ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है, इधर जो है ये फंक्शन अपने को क्या मिल रहा है, क्या ये y इक्वल्स टू x प्लस 4 है, यही है ना? yes, sir. अब इसके लेफ्ट साइड देख लो क्या है, इधर तो y इक्वल्स टू है ये माइनस एक्स प्लस 4। क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। अब सोचो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा? ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये जो v शेप बनेगा, v शेप कहां पे बनेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या है यहाँ पे, तो माइनस 4 है, तो यहाँ पे माइनस 4 रखें, यानी कि माइनस 4.0। अब तुम चाहो ना तो अंधाधुन ग्राफ भी बना सकते हो, कैसे आपको पता है वी शेप आएगा, ऐसे बना लो और इधर ऐसे बना लो, चलेगा, और ये वाला आ जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 और ये आ जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। क्लियर है सर? लेफ्ट वाले के लिए स्ट्रेट लाइन बन रही है सर, ये समझ नहीं आ रहा। अरे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है ना। मतलब उसके जस्ट सिमेट्रिक बन रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा। अरे अभी ये डेफिनेशन आपको समझ में आया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अब सोचो ना पॉइंट ले लो ना तुम, देखो यहाँ पे माइनस 4 से लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे माइनस 5 रख दो, एक्स के जगह पे माइनस 5 रखो, तो माइनस 5 रखेंगे तो देखो इसमें क्या आएगा, माइनस 5 प्लस 4 यानी कि माइनस 1, बाहर में एक माइनस बैठा हुआ है, तो क्या ये ऐसा आ जाएगा, माइनस 5 कॉमा 1 आएगा। यस सर, ठीक है। और इसमें माइनस 3 लिख लो, देखो माइनस 3 अगर रखोगे तो ये माइनस 3 कॉमा कितना 1 आएगा, और ये ग्राफ जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिकल होगा बताओ, क्या ये इसके 4 के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, माइनस 4 के अबाउट? देखो तो। यस सर, यस सर, यस। अगर यहाँ पे मिरर लगाओगे तो क्या जो राइट साइड में ग्राफ बन रहा है क्या एज इट इज लेफ्ट साइड में सेम ग्राफ बन रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा है ना? हेलो no, नहीं लग रहा है no, sir. No, sir. चलो बहुत आराम आराम से अपन बढ़ेंगे आगे। सर हाँ जी बताइए। साहिब भाई इवन फंक्शन फिर से बता दीजिए। कौन सा? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन छोड़ दो, भूल जाओ। देखो उसका डेफिनेशन ऐसा सोचो, f ऑफ माइनस x इक्वल टू जो होता है ना fx होता है, तो इसमें मैंने बोला था ना देखो अगर y fx जो अभी अपना क्या है ये मॉड x है, अगर इसमें x की जगह पे माइनस x भी रखोगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये पता है अपने को किसके इक्वल होता है, तो मॉड एक्स के इक्वल होता है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो क्या बोल देंगे फंक्शन क्या होगा अपना, इवन फंक्शन होगा। ठीक है ना, एस थ्री वाले को पढ़ाया था कल, इसीलिए
मैंने लिख दिया। हेलो चलेगा? चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो, किसका? एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 3 का, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। सबसे पहले इसको डिफाइन करो, तो क्या लिखोगे फटाफट बोलना। क्या लेस देन जीरो होगा तो क्या बाहर में यहाँ पे माइनस आएगा? बोलो, ऐसा होगा। अब क्या इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? ये 2x माइनस 3 हो जाएगा कब? जब x अपना क्या हो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 हो, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा कब? जब x अपना क्या हो लेस देन 3/2 हो। ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सा लग रहा होगा। अब सोचो तो क्या अपन इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. तो अब इसमें बताओ क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे? 3/2 पे आ रहा है, तो 3/2 यहाँ पे रख लो। तो क्या 3/2 जो है ये, क्या अपन बता सकते हैं जो यहाँ पे वी शेप का ग्राफ बनेगा? ऐसा बोलोगे? अरे होगा ना ऐसा, क्या ख्याल है? Yes, sir. तो ये आ गया इधर वाला जो ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का आया, और इधर वाला y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3 का आएगा। चलेगा? बताओ क्लियर है सबको? अब अपन बात करते हैं इसी में थोड़ा सा, और अपन चेंज करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में। अब मैं तुमसे बोलूं चलो इसका ग्राफ बना दो हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड 2x माइनस 3। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना बता दो, कैसे डिफाइन करें? तो जहां पे मॉड लगा हुआ है, सबसे पहले अगर यहाँ पे मॉड 2x को डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे कि भाई ये 2x रख लो कब? इफ 2x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस 2x हो जाएगा कब? जब 2x क्या हो लेस देन 0 हो। ऐसा बोलोगे क्या? बताओ। यस सर। यस सर। तो क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, अपने को पता चल गया ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे ये चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? 2x माइनस 3 बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा x लेस देन 0 पे, क्या ये माइनस 2x माइनस 3 होगा? यस सर। ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। अरे देखो यहाँ पे जहाँ पे मॉड लगा है क्या उसी पे अपन फोकस करेंगे? देखो तो यहाँ पे जहाँ पे ये मॉड लगा है क्या अपने को इसी पे ध्यान देना चाहिए? जो अंदर वाला पार्ट कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। क्या अपन ऐसा बोलेंगे? यस सर। तो हमने बोला चलो ठीक है, मॉड के बारे में आपको तो पता है, ये वाला जो अगर अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो वो ग्रेटर देन, यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही बोलोगे ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमने बोल दिया जो देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, और लेस देन 0 के लिए ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सर? लेस देन 0 के लिए कैसे हो रहा है सर? लेस देन 0 के लिए क्या ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा? हाँ, लेकिन सर मॉड लगा है। हाँ तो भाई अगर x तुम्हारा 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, x का वैल्यू आप क्या लिखोगे? माइनस 1 लिखोगे। तो सोचो माइनस एक बाहर में बैठा हुआ है, तो क्या वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा ना यार? समझे क्या? नहीं, देखो ये मॉड 2x जो है इसमें सोचो x का वैल्यू आप रखते चलो, देखो आउटपुट क्या क्या आता है एक बार अपन थोड़ा अच्छे से बात कर लेते, हो सकता है औरों को भी समझ में नहीं आया हो। बिल्कुल बच्चों टाइप से सोच लेते हैं एक बार।
ये देखो आपका मॉड 2x है, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, और यहाँ पे हमने लिखा x का वैल्यू रखते जा रहे हैं। अगर x 0 होगा तो मॉड 2x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x आप 1 रखोगे तो मॉड 2x का वैल्यू क्या, 2 लिख रखोगे। अगर माइनस 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2। उसका मॉड क्या होता है, माइनस 2 का मॉड क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, बताओ। अगर x का वैल्यू 2 रखे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। अगर माइनस 2 रख दिए तो क्या लिखोगे, मॉड माइनस 4। मॉड माइनस 4 कितना, ये भी तो 4 होता है ना। हाँ सर, ठीक है। अब इसमें देखो तो अगर तुमने जो मॉड किसको डिफाइन किए हो, इस 2x को तुमने बोला जो भाई ये 2x हो जाएगा किसके लिए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। और आपने बोला जो ये माइनस 2x हो जाएगा किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब देखो 0 पे तो ये 0 आएगा, अब 1 जैसे रखोगे तो यानी कि ये 2 आएगा। अब माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पहुंचा देंगे माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये 2 हो जाएगा। फिर 2 आया तो ये वाला ले लो, 2 इंटू 2 बोले तो 4 आ गया। जब माइनस 2 रखोगे तो यानी कि माइनस 2 एक्स लेस देन 0 के पास पहुंचाओगे ना, तो माइनस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? यस सर। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ाया जो देखो अगर अंदर निगेटिव होता है तो अपन क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 5 हो जाता है। और अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं पॉजिटिव। तो क्या इसी के बेसिस पे हमने नहीं बोला जो मॉड एक्स जो है इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर अंदर वाला पार्ट अपना पॉजिटिव होगा तो बाहर लिख दो एक्स, अगर अंदर वाला पार्ट अगर अपना निगेटिव होगा तो क्या ये माइनस एक्स लिखेंगे। देखो तो इसके बेसिस पे क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है अपने को, दो पॉइंट चाहिए बस। तो अब देखो देखते हो इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में भी पढ़ेंगे, उसमें अपन सबसे पहले 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर मॉड 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें माइनस 3 कर देंगे, वो तो अलग है। अभी अपन बच्चों टाइप का करेंगे। कैसा, y इक्वल्स टू हमें पता है जो 2x माइनस 3 है कब, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, और ये माइनस 2x माइनस 3 है किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। क्या ये ऐसा है? यस सर। बताओ। ठीक है तो अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सोचो अगर x इक्वल्स टू 0 रखें तो 0 वाला किस में आएगा, पहले वाले में आएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 3। तो क्या अपन कह सकते हैं ये 0, -3। एक और कोई पॉइंट ले लो, एक तो पता ही है जो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो 3/2 यानी कि x एक्सिस को क्या 3/2 पे कट करेगा, तो ये ले लो 3/2, 0। क्लियर है सबको? हेलो, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं देखेंगे? हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, एक्चुअली क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स तुम तब देखोगे ना सब पूरे पे। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे इसके लिए अपन बात करेंगे, मॉड वाले के लिए। तो मॉड वाले का क्रिटिकल पॉइंट तो अपने को पता है 0 है, वहां पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, लेकिन बाहर में एक तो माइनस 3 भी लगा हुआ है ना। यस सर, यस सर। देखो ग्राफ वैसे वहीं पे चेंज हो रहा है ना। तो अब अगर 0 के राइट साइड में अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या ये वाला ग्राफ बनेगा? अब 0 के लेफ्ट साइड में सोचो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है कब 0 हो रहा है, क्या ये माइनस 3/2 पे 0 हो रहा है? यस सर। तो यानी कि इस पॉइंट से भी पास करेगा ये, तो लेफ्ट साइड का भी ग्राफ ड्रॉ कर लो। अरे बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, बताओ? नहीं सर। तो ये हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3, और ये आ गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। क्लियर है सबको? हेलो
चलेगा? ठीक है सर। हाँ जी सर, 3/2 सर मतलब कैसा है सर, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अरे y का वैल्यू कहाँ पे जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो रख दो, इसी में ये y जीरो रख दो और यहाँ पे -2x -3 है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? क्या ये -3/2 नहीं आ रहा है? ठीक है, यस सर, ठीक है। और अपने को पता है x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू जीरो होता है। यस क्लियर है सबको? अरे है ना। यस सर। चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो इसमें अपन दो मॉडुलस फंक्शन लेते हैं। पहले तो आप अच्छे से डिटेल में सॉल्व करो, फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा। मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू, यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन आ गया। नहीं तो क्या करें, इंडिविजुअल अलग अलग अपन डिफाइन करेंगे। नहीं इसका देखो तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है, पहले वाले का इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट जैसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ये एनीथिंग निकालना है तो क्या देख करते हैं, एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो, जहां पे जीरो होगा वहीं पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन चेंज होगा। तो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे वन आएगा। बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको जीरो कर दो, -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये दोनों अपना डेफिनेशन जो है चेंज करेगा। तो अगर तुम नंबर लाइन पे एक बार देखोगे तो कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो एक तो तुम्हारा ये -2 पे आ रहा है चेंज होगा, दूसरा 1 पे चेंज होगा, ऐसा बोलोगे? हेलो fx के बारे में बात करें तो एक मॉडुलस फंक्शन जो है वो 1 पे चेंज करेगा, दूसरा -2 पे चेंज करेगा। क्लियर है? अब आपको पता है, थोड़ा अच्छे से सोचते हैं इसको, इंडिविजुअल एक बार दोनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अब अगर इसको तुम डिफाइन करोगे x-1 को, तो तुम क्या बोलोगे, क्या ये x-1 हो जाएगा कब, इफ x-1> = 0, और ये -x-1 होगा कब, जब अपन बोलेंगे x-1> 0। क्या आप ऐसा बोलोगे? और यहां से आ जाएगा ये x-1 इफ x > 1, और ये -x+1 हो जाएगा कब, जब x अपना क्या हो, <1 हो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब सोचो तो एक्चुअली क्या है ना, दोनों फंक्शन का अपन ना सम लिख रहे हैं, मतलब दो मॉडुलस फंक्शन है, दोनों को अपन ऐड करके लिख रहे हैं, वो अपना एफ एक्स के इक्वल है। तो क्या कुछ ऐसा कर लिया जाए जो हमें पता है, जो इस रियल एक्सिस पे मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 के अराउंड चेंज होगा, एक बार एक्स इक्वल्स टू -2 के अराउंड चेंज हो रहा है। तो आप मुझे ये बता दो, अगर मॉड एक्स माइनस वन को अगर अपने को डिफाइन करके लिखना है, तो क्या अपन कह सकते हैं ये जो है ना 1 के राइट साइड में क्या हो जाएगा, x-1 होगा, और 1 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस के साथ ओपन होगा? यस सर। ऐसा लिख लें, क्योंकि यहां पे 3 इंटरवल आ रहा है, -2 से छोटा, -2 और 1 से बड़ा। क्लियर है आपको? हेलो। यस सर। ठीक है, अब सोचो यहां पे अपने पास एक है मॉड x+2, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या बोलोगे, x+2 हो जाएगा कब, जब x+2> = 0 हो, और ये माइनस टाइम x+2 होगा जब आप बोलोगे x+2 क्या हो, <0 हो। तो आपने कह दिया जो x+2 रख लो भाई, कब, जब x अपना > -2 हो, और -x+2 कब, जब अपना x < -2 हो। क्या ये -2 के राइट और लेफ्ट साइड में चेंज हो रहा है क्या? यस सर। यस सर।
ये माइनस टू है, इसके राइट साइड हो गया यहाँ पे ऐसा और लेफ्ट साइड हो गया ऐसा। चलो और ऊपर वाला जो ये किसके बारे में आपने बोला, तो मॉड एक्स प्लस टू को आपने ऐसा लिखा। दूसरा ऊपर में जो हमने लिखा था किसको, मॉड एक्स माइनस वन, तो इसमें आपने बोला था सर ये तो वन के अराउंड चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है आपका x इक्वल्स टू वन। तो इस साइड क्या हो जाएगा, क्या ये x माइनस वन आएगा और इधर क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस वन आएगा, बताओ। यस। अब लेकिन fx जो है ना आपका, वो fx क्या है, इन दोनों का सम था। fx क्या है, क्या वो लिखा हुआ है मॉड x प्लस टू प्लस मॉड x माइनस वन, यही लिखा हुआ है ना, अरे यही लिखा है ना, बताओ। यस सर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप ऐसा करो जो दोनों का आपने देख लिया क्रिटिकल पॉइंट्स, अब अपने को क्या करना है, एक ही नंबर लाइन पे दोनों को लिखना है, दोनों को डिफाइन करना है। तो सोचो एक ही नंबर लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस हमने बता दिया, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये माइनस टू है और यहाँ पे ये वन है। अब सोचो अगर अपन यहाँ पे मॉड एक्स प्लस टू को देखते हैं जो किस इंटरवल में कैसा होगा, तो आपको पता है जो अगर टू के राइट साइड में ये क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, माइनस टू के राइट साइड में क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और माइनस टू के लेफ्ट साइड में क्या ये निगेटिव के साथ मतलब माइनस के साथ ओपन होगा, बताओ। yes. अब इसके बारे में बताओ, क्या ये वन के राइट साइड में क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और वन के लेफ्ट साइड में क्या ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा? यस सर। चलेगा। अब जब दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अपन देखेंगे ना भाई इंटरवल में मतलब यहाँ पे तीन इंटरवल आ रहा है, माइनस टू से छोटा, माइनस टू वन और वन से बड़ा। क्लियर है आपको? यस सर। तो अब जो अपन fx को डिफाइन करेंगे यानी कि fx को मॉड से अपन हटा दें, तो क्या बोलेंगे जो भाई एफ एक्स लेस देन माइनस टू, तो लेस देन माइनस टू के लिए क्या तुम बोलोगे जो इन दोनों को ऐड कर दो इससे छोटा के लिए? yes. ऐसा बोलोगे? तो जो सोचो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस x माइनस सॉरी प्लस टू और यहाँ पे माइनस x माइनस वन, ऐसा लिखोगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। ऐड करने में तो समझ में आ गया, जैसे वेव्स को ऐड करते हैं तो बड़ी वेव बन जाती है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होता है दोनों के बीच में तब क्या होता? तो माइनस लिखते सर। माइनस कैसे करते हैं ग्राफ को? ग्राफ का तो समझ में आ गया लेकिन आप माइनस का नहीं, इसको ग्राफ को ही भूल जाओ। आप सोच रहे सबसे पहले इस फंक्शन को अपन डिफाइन करके लिख देते हैं। ओके सर। ठीक है ना, ग्राफ तो ड्रॉ हो जाएगा, उसका क्या है। ठीक है, ऐसा लिखोगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, अब सोचो अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू हो और लेस देन वन हो तो क्या अपन कहेंगे जो ये क्या आ जाएगा, x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, ऐसा बोलोगे? और अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो तो क्या अपन इन दोनों का सम लिखेंगे, x प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन, ऐसा बोलोगे? बताओ। हेलो। यस सर। ठीक है, तो अब सोचो इस एफ एक्स को आपने जो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स और ये माइनस टू ये प्लस टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। किसके लिए? तो जब एक्स अपना क्या हो, लेस देन माइनस टू हो, ऐसा बोलोगे? और यहां देखो ये एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, बोलो क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, थ्री आएगा इसके लिए। तो x greater than equals to minus 2 और less than 1, ठीक है।
अब सोचो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या ये 2x प्लस 1 आ रहा है किसके लिए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, क्या ऐसा बोलोगे? ये तुम्हारा fx आ गया, और fx तुम्हारा था क्या, तो fx तुम्हारा था किसके इक्वल, तो मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 1, उसी को तुमने डिफाइन करके लिख दिया। क्लियर है सबको? बताओ। हेलो। यस सर। यस सर। अब देखो इसका, इसका अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट सा बता दूंगा जो सिंपल सा 2-3 लाइन में हो जाएगा। पहले ये अपन अच्छे से समझ ले। अब देखो ग्राफ पीसवाइज फंक्शन बोलेंगे ना, कौन सा फंक्शन? पीसवाइज फंक्शन बोलेंगे ना इसको, मतलब इसको पीस में अपन डिफाइन किए इसलिए। ये सर कहीं पढ़ा था किसी बुक में ऐसे फंक्शंस जिसमें अलग अलग इंटरवल्स में कंपोनेंट डेफिनेशन अलग अलग हो। तो देखो कहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा था, माइनस 2 और 1 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो माइनस 2 यहाँ पे लिख लो और 1 यहाँ पे लिख लो, 1,0 माइनस 2,0। अब देखो 1 के राइट साइड में जो है ना फंक्शन कौन सा है, ये वाला है 2x प्लस 1 है ना, तो इसका 1 पे वैल्यू निकाल लो। 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 रिपीट कर देंगे लास्ट में जो बोले हमने, बोला जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका देखो क्या क्या आ रहा है, माइनस 2 और 1 आ रहा है, माइनस 2 और 1 हमने लिख लिया। अब अपने को पता है जो इंटरवल में अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए अपने पास ग्राफ क्या है, 2x, सॉरी किसका ड्रॉ करेंगे अपन ग्राफ, 2x प्लस 1 का, 2x प्लस 1 ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का आप जो ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 पे वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1 पे क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा, बताओ। yes, और स्लोप पॉजिटिव है या फिर 1 से आगे वाला कोई पॉइंट ले लो उसको मिला के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और वो ग्राफ देखो क्या एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ऐसा आएगा, चलेगा? अरे सोचो 1 के राइट साइड में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे सोचो 2 है, 2 पॉइंट मिल जाता है तो स्केल से अपन मिला के ग्राफ ड्रॉ ही कर सकते हैं ना। तो 2 पे देखो तो आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा, 2 पॉइंट मिला नंबर लाइन पे, मतलब इस 2D प्लेन में मिलाओ स्केल से ग्राफ ड्रॉ कर दो, चलेगा? यस सर। अब देखो माइनस 2 और 1 के बीच जो ग्राफ है ना वो y इक्वल्स टू 3 का है, तो y इक्वल्स टू 3 यानी कि माइनस 2 पे भी जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो माइनस 2,3। तो क्या तुम कह सकते हो जो भाई इसके बीच का जो ग्राफ होगा क्या वो कौन सा ग्राफ होगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन आएगा कांस्टेंट फंक्शन ये वाला, बताओ? यस सर। ऐसा आएगा, और बता दीजिए। हाँ देखो माइनस 2 से लेके 1 के बीच में अगर x अपना माइनस 2 से लेके 1 हो तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है, fx इक्वल टू 3 आ रहा है ना। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या y equals to 3 वाला ये आ गया। अब सोचो अगर अपना x जो है माइनस 2 से छोटा हो, x अगर लेस देन माइनस 2 हो तो क्या अपन ये वाला बोलेंगे, जो उसका जो किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y equals to माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखो तो सर, ये 3 वाले, सर 3 वाले में लेस देन 1 लिखा तो 1 कैसे ले सकते हैं? अरे 1 पे तो तुम्हारा 3 तो आ ही रहा है ना, तो 1 पे 3 ले लो और 1 से छोटा पे फिर क्या 3 आ रहे, तुम मिला दो पूरा। ओके। अब सोचो इसमें माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 में क्या ये भी 3 आ रहा है क्या, माइनस 2 पे भी 3 आ रहा है। अब माइनस 2 से छोटा कोई पॉइंट ले लो और निगेटिव स्लोप आ रहा है ना, तो उसका जो ग्राफ हो जाएगा वो बताता हूं कौन सा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा है।
और तो हमको लेस देन माइनस टू लेना है ना, लेकिन हाँ तो माइनस टू से छोटा कोई पॉइंट ले लो, आप बोल दो कोई पॉइंट मेरे को। माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो चलो यहाँ पे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पे देखो तो आउटपुट क्या आ रहा है, फाइव। माइनस थ्री रख दो तो ये क्या आ गया, फाइव। क्या अपन ये दो पॉइंट मिला तो स्केल रखे मिला दे ऐसे, बताओ जी सर। तो ग्राफ अपने को ये मिला, क्लियर है सबको? हेलो सर, यहाँ माइनस टू कॉमा थ्री कैसे आया है? माइनस टू कॉमा थ्री कैसे आया है? देखो माइनस टू जो है क्या इस वाले में है, माइनस टू, तो माइनस टू पे आउटपुट क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो क्या अपन डायरेक्ट बोल दें माइनस टू पे आउटपुट थ्री आ रहा है? तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, मतलब जहाँ पे डेफिनेशन देखो कहाँ चेंज हो रहा है, क्या माइनस टू पे चेंज हो रहा है, क्या वन पे चेंज हो रहा है? यस सर, यस सर। चलो इसको अब अपन शॉर्टकट कैसे मारते हैं, मतलब सिंपल सा अगर अपने को एक लाइन में ग्राफ ड्रॉ करना होता इसका, ये जो इतना लंबा क्वेश्चन चल रहा था, तो कैसे करते? आपको डिफाइन करना तो आ गया ना, देखो बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिफाइन करना आ गया, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। अब मैं बोल रहा हूं जो चलो इसका शॉर्टकट कैसे मारा जाए इस ग्राफ को ड्रॉ करने में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू है। तो स्टेप वन होना चाहिए आपका, स्टेप वन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है कैसे आता है, जहां पे मॉडुलस मॉड का अंदर वाला जो पार्ट होता है वो जीरो हो। तो क्या एक एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आपको पता है क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू वन आ गया। दूसरा x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो आपको पता है, यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। अब क्या करो सेकेंड स्टेप, जो क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड कर लो, स्टेप टू। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपन फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f वन का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये क्या आएगा, वन माइनस वन प्लस, क्या ये वन प्लस टू होगा, कितना आ गया, जीरो प्लस थ्री आया। अब f ऑफ माइनस टू फाइंड कर लो, तो क्या आप रखेंगे माइनस टू माइनस वन प्लस, क्या यहां पे अपन बोलेंगे माइनस टू प्लस टू, ये भी कितना आ गया, थ्री आ गया, बताओ। ठीक है, अब आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू पता है आपको, चलेगा। अब ऐसा करते हैं नंबर लाइन एक क्रिटिकल पॉइंट्स को रख देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या अपना, एक तो वन है, दूसरा माइनस टू है, तो माइनस टू यहां पे आएगा, माइनस टू कॉमा जीरो और वन यहां पे आएगा। चलो यहां लेते हैं वन कॉमा जीरो। अब आपको वन पे पता है वैल्यू कितना है, तो वन पे थ्री है, और माइनस टू पे कितना है, तो माइनस टू पे भी थ्री आया है ना, देखो तो। ठीक है, अब जब दो मॉडुलस फंक्शन को अपन ऐड कर रहे हैं तो अपने को पता है जो इसका आउटपुट जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अरे पता है ना, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। और देखो इसमें भी क्या है, ये लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर फंक्शन है, तो दोनों लीनियर फंक्शन मिल गया, क्या लीनियर फंक्शन ही होगा? यस सर, ऊपर तो आप देख ही चुके हो पूरा अच्छे से डिफाइन करके। तो अब क्या करो, इन दोनों को मिला दो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो इन दोनों को मिला दो। और इसके बाद जो अपने को पता है मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा और वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इसके बाद का जो ग्राफ होगा वो भी कैसा होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा होगा और इधर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा।
समझे क्या? अगर आपको ये करना हो जो, चलो इसके राइट साइड में क्या होगा फंक्शन का वैल्यू वो, हाँ हाँ सर, ये ऊपर ऐसे ही रैंडम ले जाएंगे, सेकंड पॉइंट नहीं देखेंगे, कुछ मत देखो, डायरेक्ट आप देखो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है, उसके बाद इसको ऊपर कर दो, इधर भी ऊपर कर दो, ऊपर ही जाएगा वो, नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना भाई, अगर एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा तो क्या वाई अपना एफ एक्स अपना निगेटिव होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दो मॉडुलस फंक्शन को ऐड कर रहे हो, यानी कि प्लस प्लस कर रहे हो, मतलब दो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो, समझे क्या? अगर मान के चलो आपको वेरीफाई करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिंपल सा स्टेप होगा। सोचो अगर अपन x ग्रेटर देन वन के लिए देख लेते हैं, इसी को बस दो पार्ट में देखेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो पहला जो मॉड है क्या वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? अरे देखो क्या इसमें वन रख दो, तो क्या ये पहला मॉड जो है क्या वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? यस सर, यस सर, होगा। यस सर, हाँ। और दूसरा मॉड देखो वो भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि वन रख रहे हो तो अंदर में क्या थ्री बन रहा है, तो क्या यहाँ पे अपन लिख दें जो क्या ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब ऐसा करो दूसरा दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्योंकि बीच वाला तो अपने को पता चल गया, अब दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में देख लेते, अगर लेस देन माइनस टू हो तो, अब सोचो इसके अंदर माइनस टू वैल्यू रखो तो क्या ये निगेटिव आ रहा है? यस सर, तो इसको निगेटिव के साथ ओपन कर लो। अब दूसरे में देखो तो इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसको भी निगेटिव के साथ ओपन कर लो, समझे क्या? अब देख लो निगेटिव के साथ ऊपर वाले दोनों को डिफाइन कर लिए, वन के राइट साइड माइनस टू के लेफ्ट साइड, तो क्या दोनों का अपने को वैल्यू पता चल गया, इधर क्या हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स माइनस वन। अरे कुछ समझ में आया क्या? यस सर, पहला मेथड पूरा डिटेल में गया, दूसरा मेथड अपन थोड़ा सिंपल में इसको कर लिए, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें थोड़ा इजी बनता जाएगा, ठीक है? एक और करें सॉल्व सर, एक्स और एक्स की वैल्यू वाई इक्वल्स टू जीरो पे पुट करके हम क्या करेंगे सर? एक्स की वैल्यू वाई इक्वल्स टू जीरो पे जो वैल्यूज आ रही है एक्स की, x minus 1 equals to 0 और x plus 2 equals to 0 से जो निकाली है। अरे देखो मॉड जो है वो कहां पे चेंज करता है अपना डेफिनेशन, जहां पे वो जीरो होता है। आप अभी तक इतना पढ़ समझ गए सर, समझ गए। देखो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट में सही, क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखो तो यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस वन यानी कि जीरो करोगे तो x इक्वल टू जीरो आया, इसके राइट साइड में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव के साथ ओपन होगा, कितना सिंपल सा है चीज है। समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। क्या और सब सो लिए? नो सर, जगे हैं, जगे हो ना? यस सर। अब चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, अपने को पता चलेगा अभी जो मैंने बताया उसका यूज भी पता चलेगा, शॉर्टकट भी करेंगे और थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके भी करेंगे दोनों तरीके से। इस बार है अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू माइनस टू मॉड एक्स। तो देखो यहाँ पे तीन मॉड आया ना, तो आप बता दो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट वन माइनस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू माइनस टू, x इक्वल्स टू जीरो। क्या इस पॉइंट के अराउंड क्या डेफिनेशन चेंज होगा? बताओ, होगा। तो अब ना इसको एक
साथ ही अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा तो अच्छे से सीख गए पीछे। तो सोचो इसको सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट कर लो, क्या यहाँ पे माइनस टू होगा, फिर जीरो होगा, और फिर क्या ये वन होगा? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन मॉडुलस फंक्शन है, तो तीनों को इंडिविजुअल अपन डिफाइन कर लेते हैं इस इंटरवल सब में क्या होगा। सबसे पहला बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, तो मॉड एक्स माइनस वन के बारे में। तो बताओ ये मॉड एक्स माइनस वन जो है, क्या वो अगर वन के राइट साइड में पॉजिटिव होगा? बताओ। यस सर। वन के राइट साइड में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। देखो यहाँ पे अपन ना बांट लिए इसको, इस वाला इंटरवल में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे चार पार्ट आ गया। अब सोचो वन से लेफ्ट साइड में तो हर जगह क्या होगा, निगेटिव होगा, रख लो इसको निगेटिव के साथ। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा अपन बात कर लेते, दूसरा क्या है अपने पास यहाँ पे, देखो मॉड एक्स प्लस टू है, तो मॉड एक्स प्लस टू है तो इसको क्या बोलोगे, क्या ये माइनस टू के राइट साइड में क्या पॉजिटिव होगा? बताओ। यस सर। तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा इन सब इंटरवल में, क्या इससे पीछे क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होगा? यस सर। ठीक है, और एक और बच गया, तो मॉड एक्स, तो मॉड एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉड एक्स जो है अपने को पता है ये जीरो के राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो नेगेटिव के साथ में ओपन होगा, क्या ऐसा बोलोगे? बताओ। ठीक है। यस सर। अब ये क्या है, अपने को पता है जो एफ एक्स अपने पास ये है, तो ऐसा करते हैं जो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं जो अलग अलग इंटरवल में क्या होगा। देखो आपके पास जो एफ एक्स है वो क्या है, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू माइनस टू मॉड एक्स है। क्या यहाँ पे अपने को बांटना पड़ेगा कितना इंटरवल, तो चार इंटरवल, नहीं तो लिख लेते हैं भाई जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, अरे अब आप बताओ मुझे, अगर मैं बोलू एफ एक्स के बारे में, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन में क्या होगा? देखो एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस वन जो है पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस टू प्लस एक्स, और ये माइनस टू एक्स होगा। यस सर। ऐसा बोलोगे। अब सोचो x अगर लेस देन वन हो जाए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो इसमें अपने को पता है जो x माइनस वन जो है, मॉड x माइनस वन जो है, क्या वो निगेटिव के साथ ओपन होगा? देखो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। यस सर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस वन, फिर प्लस एक्स प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अगला अपन देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू और लेस देन जीरो, तो इसमें क्या होगा? सोचो ये मॉड एक्स माइनस वन जो है, देखो वो निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, और मॉड एक्स जो है वो निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, और एक्स प्लस टू पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, क्या ऐसा बोलोगे? तो माइनस एक्स माइनस वन, और ये प्लस एक्स प्लस टू, और ये माइनस के साथ ओपन हो रहा है, तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। अब बात कर लेते हैं इफ एक्स कितना है, लेस देन माइनस टू है ना, हाँ, अगर एक्स अपना क्या हो जाए, लेस देन माइनस टू हो, तो माइनस टू से छोटा हो तो तीनों निगेटिव के साथ, तो क्या कह सकते हो, ये जो है ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू और माइनस माइनस प्लस टू एक्स। क्लियर है सबको?
चलो अब ऐसा करो, इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट यहाँ पे बता दो तो क्या क्या होगा। देखो तो क्या ये x x गायब हो जाएगा, सिर्फ वन आएगा। देखो तो वन आएगा और यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, ये माइनस एक्स है और ये एक्स है, तो ये दोनों गायब हो गया। अब माइनस टू, माइनस टू एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो ये माइनस एक्स है, ये एक्स गायब हो गया, तो क्या यहाँ पे बोलोगे टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। और इसमें देखो तो क्या ये एक्स और ये भी गायब हो जाएगा, बताओ। माइनस वन बचेगा, माइनस वन बचेगा, ऐसा बोलेंगे। अरे ठीक है, यस सर, यस सर। चलो अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, क्रिटिकल पॉइंट जितना भी है सबको लिख डालो, कितना है माइनस टू जीरो और वन। तो यहां आ गया आपका माइनस टू, ये आपका जीरो है और यहाँ पे वन है, क्लियर है। अब देखो तो वन के राइट साइड में क्या है, वन है। देखो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, वन के राइट साइड में क्या है, ये वन आ रहा है। तो क्या वन एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है? नहीं आता है क्या? मतलब एक्स कुछ भी रखो तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जीरो और वन के बीच में ग्राफ अपन किसका ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो तो ये वन पे आउटपुट क्या वन दे रहा है और जीरो पे आउटपुट क्या देगा, थ्री देगा, बताओ। Yes, तुम लोग समझदार तो इतने हो yes, ना? Yes, sir, yes. हाँ थोड़ा समझदार हो तो बताओ, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज्यादा नीचे जाके पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें फिर टाइम लगेगा। तो देखो अब ये आ गया ऐसा, ठीक है। ये था आपका यहाँ पे y equals to टू का, टू ही था कि वन था, वन था, y equals to 1, और ये है आपका y equals to क्या आ गया था, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब अगला देखो तो क्या है, टू एक्स प्लस थ्री है किसके लिए, तो माइनस टू और जीरो के बीच में। तो देखो जो जीरो पे ये क्या देगा, थ्री देगा, चलेगा, और माइनस टू पे क्या देगा, ये माइनस टू रखोगे तो यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन देगा, तो यानी कि नीचे आ जाएगा, यहां पे ले लो। तो अब इसको मिला दो, ऐसा होगा, और इसका नाम दे दो y equals to 2x plus 3, क्लियर है। अब इससे छोटे पे क्या आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, माइनस वन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या तुम बोलोगे जो सर ये वाला ले लो, अरे चमका कि नहीं चमका, समझे समझे तुम लोग, कुछ चमक रहा है सर, यस सर, बहुत ज्यादा चमका। अगर चीजें पूरा कंफर्ट जोन में चलेगा ना तो तुम कुछ नया नहीं सीखोगे, बताए, और हर कोई कुछ नया सीख रहे है ना, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा अपने को, मैथ्स है भाई। सर 2x plus 3 का कैसे प्लॉट किया वो बता दीजिए। देखो जीरो अगर रखेंगे इसमें तो कितना आ रहा है, ये थ्री आ रहा है, और अगर इसमें अपन माइनस टू रखे तो क्या आ गया, माइनस टू पे माइनस वन आया, तो दो पॉइंट मिला, दोनों को मिला दिए, चलेगा। यस सर। अब सोचो इसको मेथड टू से कैसे करते हैं, दूसरा तरीका से अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अपना क्या था, ये एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू मॉड एक्स था, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स तो पता है इसका, क्रिटिकल पॉइंट्स
क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इक्वल्स टू वन माइनस टू और जीरो है, बोलोगे? Yes. अब बताओ इन सब पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या करते हैं अपन, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वन पे देखो तो कितना आएगा, जीरो प्लस थ्री माइनस टू, तो ये क्या आ गया, वन आया। और माइनस टू पे क्या आएगा, तो सोचो यहाँ पे मॉड माइनस टू माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस टू माइनस टू माइनस टू, ऐसा बोलोगे? तो ये आ गया थ्री प्लस जीरो और ये मॉड माइनस टू है लेकिन उसका वैल्यू तो टू ही होगा ना भाई, माइनस फोर, तो ये कितना आ गया, माइनस वन आया। अब जीरो पे वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, जीरो माइनस वन प्लस जीरो प्लस टू माइनस टू मॉड जीरो, क्या लिखोगे, वन प्लस टू बोले तो थ्री आया, वो मॉड माइनस टू प्लस नहीं हो जाएगा? अच्छा ठीक है, प्लस टू है। क्लियर है? हेलो, यस सर। अब क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। माइनस टू ये ले लो, जीरो और यहाँ पे वन। वन पे देखो तो आउटपुट आया तुम्हारा वन, तो क्या अपन कह दे जो ये आ गया वन कोमा वन, और जीरो पे आउटपुट आ गया तुम्हारा थ्री, तो यहाँ ले लो, तो क्या ये जीरो कोमा थ्री होगा। और माइनस टू पे आउटपुट आ गया आपका माइनस वन, तो यहाँ पे मिला लो माइनस टू कोमा माइनस वन। अब इसको पहले मिला लो क्या क्या ग्राफ बनेगा, क्या तुम बोलोगे जो चलो इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। अब अपने को ये नहीं पता है जो क्रिटिकल पॉइंट्स के बाहर क्या क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसके राइट साइड में क्या होगा, ये अपने को पता नहीं है। लेकिन वो तो तुरंत पता कर सकते हैं ना, कोई सा भी आप देख लो, अगर इसी एफ एक्स में थोड़ा ध्यान देना आप। सर सर सर, ये शॉर्टकट वाला मेथड है, इसमें हम लोग ने पॉइंट्स कैसे पता किए, 1, 1, 0, 3, -2, 1? अरे सबसे पहले काम तो क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट्स पता किए सबको, जीरो रख के। ये तो प्लॉट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे तुम क्या किए, फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए, 1 रख के माइनस 2 रख के जीरो रख के। शॉर्टकट मेथड में बस इक्वेशन नहीं पता लगती है ना। हाँ, इक्वेशन पता नहीं करते अपन, इक्वेशन पता करने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना अपने को, देखो तो। यस सर, उसके बाद तो बता दीजिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए सर उसके नॉर्मल फॉर्मूला पे रख देंगे दो पॉइंट्स को, तो आ जाएगा। अरे यहाँ से तुमको नहीं पता चला, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे तुमको नहीं पता चला कि x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बोलोगे, x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है सर, तो ये इतना तो पता होगा ना तुम लोग को, जो पॉइंट अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे रखते हैं, ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, ये सब तो पता होगा ना यार। अब अपन बात करते हैं इसमें, जो अगर x अपना greater than equals to 1 होता तो fx क्या होता, यहीं पे लिख लें, इसी को अपन बात कर लेते हैं इसी में। if x greater than equals to 1, अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या पहला पार्ट जो है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, कैसे, आप 1 वैल्यू रख लिया करो, 1 रखोगे तो 0 बन रहा है, तो जीरो बन रहा है तो जीरो पे तो ऐसे ही बाहर आ जाता है, ऐसा बोलोगे? यस सर। अब सोचो वन अगर इसमें रखते हैं तो ये वन प्लस टू यानी कि थ्री आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर लो। अब इसमें भी आप वन रख लो तो क्या फिर से तुम्हें लगा जो पॉजिटिव के साथ ही ओपन हो रहा है? बिल्कुल। तो यहां देखो कितना आ गया, ये प्लस था, तो क्या यहां से ये वन आया, बोलो? यस सर। अब क्या कर लो आप, x सबसे लेफ्ट साइड वाला जो था, लेफ्ट साइड वाला क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -3 है, -2 है, तो x लेस देन -2 रखो। अगर सोचो -2 से छोटा कुछ भी सोच लो, -3 रख लिए, तो क्या यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव सा बन रहा है, -4 बन रहा है अगर -3 रखोगे तो। ठीक है, तो क्या ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, चलेगा? x के जगह पे भी आप -3 रख लो, -2 से छोटा कुछ भी रख लो आप, सोचो यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि -1 बन रहा है,
अरे बोलोगे? यस सर। हाँ बोलोगे तो मजा आएगा पढ़ने में तुमको भी और पढ़ाने में हमें भी। चल और इसमें भी देखो तो अगर माइनस थ्री रखे तो क्या मॉड के अंदर नेगेटिव बना तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा ऐसा बोलोगे? yes, तो क्या ये प्लस टू एक्स हो जाएगा? अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या ये माइनस वन के इक्वल आया? yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितना इजी सा काम हो गया, इसके इधर ये ऐसा और इसके इधर ये ऐसा चलेगा। ये हो गया आपका yes, y इक्वल्स टू वन और ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस वन। क्लियर है सबको? यस सर। चलो कुछ तो आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है? yes, आगे बढ़े। क्लियर है? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी क्या करते हैं ना अपन थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लेते हैं इसका, फिर बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है ना मिक्स। अब अपन इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? इक्वालिटी कहने का मतलब, तो देखो अगर चलो लिख लेते हैं इक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इक्वालिटी जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा रहे मॉड एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है ना? तो अब बताओ आप एक्स इक्वल्स टू क्या क्या रखेंगे तो ये टू के इक्वल आ जाएगा, बताओ। प्लस माइनस टू, तो आपने बोल दिया जो एक्स इक्वल्स टू है प्लस माइनस टू बोलेंगे, क्योंकि माइनस टू पे भी आउटपुट टू देगा और माइनस टू पे भी आउटपुट टू देगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब सोचो यहाँ पे अगर मॉड के अंदर अगर बॉक्स हो और ये बॉक्स के राइट बॉक्स इक्वल्स टू यहाँ पे के हो और के अपना ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना? लेट के ग्रेटर देन जीरो, तो क्या अपन बोल सकते हैं जो बॉक्स जो होगा बॉक्स अपना क्या होगा प्लस माइनस के होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है चलेगा। अगर किसी बच्चे ने बोला जो सर हमें ना ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो अब बताओ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? अरे ऐसा कोई एक्स आएगा? क्योंकि हमें तो पता है ना मॉडुलेटी नहीं है, मॉड जो है ना वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो देता है, तो माइनस टू कैसे देगा? ये तो गलत बात है, ठीक है ना? अरे यही बोलोगे ना सर? एक चीज बताइए। हाँ जी पूछिए सर। जो आपने डब्बे के अंदर लिखा है बॉक्स इक्वल टू प्लस माइनस के, हाँ सर, प्लस माइनस बॉक्स इक्वल टू के होगा ना? प्लस माइनस बॉक्स इक्वल टू के, फिर से उसको सिंपलीफाई कर लो क्या आ जाएगा बताओ? अरे बॉक्स के जगह पे अगर के रहे तब भी आउटपुट के आएगा, बॉक्स के इक्वल टू अगर माइनस के रहे तब भी आउटपुट के आएगा। इसमें देखो ना अगर एक्स तुम टू रखोगे तब भी टू के इक्वल होगा, माइनस टू रखोगे तब भी टू के इक्वल होगा, क्योंकि मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जो निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? k की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ना? हाँ अरे k अगर तुम यहाँ पे निगेटिव बोल दोगे तो देखो ये क्या अनडिफाइन हो जाएगा? यस सर। अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ ये k के इक्वल है और हमने बोल दिया जो k जो है ना अपना लेस देन जीरो है, तो क्या अपन बोलेंगे जो यहाँ पे नॉनसेंस वो वाली बातें हैं, तो अपन बोलेंगे बॉक्स इक्वल टू फाइव,
ऐसा होगा, क्लियर है? हेलो अब सोचो दूसरी बातें, कितना अपन तोड़ तोड़ के तो पढ़ते हैं, मॉड एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो हो तो आप क्या बोलते हो, एक्स इक्वल्स टू जीरो बोलते हो, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तभी जीरो आ रहा है, ऐसा बोलोगे क्या? अगर ये बॉक्स इक्वल्स टू इसका मॉड अगर जीरो है तो क्या यहां से अपन बोलेंगे जो बॉक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्लियर है सबको? हेलो यस सर, यस सर, यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे अपन, इसी में अपन आगे बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका यही यूज होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। हमने बोला सॉल्व फॉर एक्स सच दैट मॉड एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू थ्री, तो यहां से बताओ एक्स क्या होगा, सोचो यहां पे भी बॉक्स, ये क्या है बॉक्स का मॉड है, बॉक्स में तुम्हारा ये भरा हुआ ये थ्री के इक्वल होगा, तो क्या तुम इसको बोले थे जो बॉक्स जो होगा वो अपना थ्री के इक्वल हो जाएगा और क्या ये बॉक्स माइनस थ्री के इक्वल होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर, यस सर। तो यहां से बॉक्स के प्लेस पे क्या है, क्या ये x प्लस सेवन इक्वल्स टू थ्री और क्या ये x प्लस सेवन इक्वल्स टू माइनस थ्री होगा, और यहां से ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर और x इक्वल्स टू माइनस टेन, यही होगा। तो आंसर क्या लिख देंगे, क्या आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस फोर कॉमा माइनस टेन, ऐसा लिखेंगे डिस्क्रीट सेट, चलेगा? yes, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, x का वैल्यू बताना है, मॉड ऑफ मॉड x प्लस वन मॉड माइनस फोर इक्वल्स टू फाइव, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले अपने को मॉड देखना है बाहर वाले, बाहर से अपन अंदर चलेंगे, हमेशा बाहर से अंदर चलेंगे, तो सोचो ये बॉक्स अंदर में रखा हुआ है और ये फाइव के इक्वल है, क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, बताओ क्या तुम बोलोगे बॉक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव और यहां से क्या बोलोगे, क्या ये बॉक्स इक्वल्स टू फाइव बोलोगे, अरे यही होगा। यस सर, यस सर। और देखो बॉक्स के प्लेस पे क्या है, क्या ये मॉड एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल्स टू फाइव है और मॉड एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फाइव है। अब देखो तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या अपन बोलेंगे, ये जो है किसके इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होगा, क्या यहां से इससे आगे सॉल्व करोगे, नहीं करोगे, इससे आगे तो अपन छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मॉड का वैल्यू माइनस वन तो हो ही नहीं सकता है। यस सर। और ये क्या आ जाएगा, मॉड एक्स प्लस वन, हाँ जी सर, एक चीज नहीं समझ में आ रही सर, क्या नहीं आ रही, जैसे आपने लिखा है बॉक्स की वैल्यू 5 और बॉक्स की वैल्यू माइनस 5, हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, अब मैं समझ गया, बॉक्स मतलब टोटल अंदर वाला, माइनस 10 और आएगा आंसर, देख लेते हैं। यस सर। फिर यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक करें अपन, क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू नाइन और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस नाइन, तो क्या ये x इक्वल्स टू एट आएगा और x इक्वल्स टू माइनस टेन आएगा, यही आ रहा है आंसर? यस सर, यस सर। चलेगा, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन दिखा दीजिएगा फिर, ये था
माइनस वन क्यों नहीं लिया, एक और बार बता देंगे सर? आप मुझे बता दो, मॉड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। ठीक है सर, नहीं लेंगे। हाँ ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो। मॉड एक्स प्लस वन का मॉड जो है नहीं, ये फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल है। अब क्या करें सोचो, क्या करना चाहिए? तो ये देखो तब डिफाइन होगा ना, जब क्या हो, ये वाला पार्ट जो हो, राइट हैंड साइड वाला जो हो, ये क्या होना चाहिए अपना? ग्रेटर देन जीरो हो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या अपन कहेंगे, जो अगर केस ले ले, केस फर्स्ट, इफ 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3/4। सब अच्छे से समझना, ठीक है ना? अब क्या हो गया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव बन गया। ये जो है मॉड x प्लस 1 जो है, और इधर क्या लिखा हुआ है, ये 4x प्लस 3। आपको पता है 4x प्लस 3 जो है ये वाला पार्ट, क्या ये अब पॉजिटिव बनना दिए अपन केस लेके? यस सर। इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव बोल दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बना दिया। देख लेते हैं, ठीक है ना? अब सोचो, अब क्या लिखें यहां से, क्या अपन बोलेंगे जो भाई ये जो है x प्लस वन जो है, क्या ये इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्या आप फोर, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचो ना, ये k के इक्वल है, ठीक है ना? तो क्या लिखते हो, क्या बोलते थे, x प्लस वन इक्वल्स टू k, तो क्या 4x प्लस 3 हो जाएगा? बताओ। हेलो, यस। और क्या ये माइनस भी लिखते थे, माइनस के? क्लियर है सबको? तो देखो अगर इसको सॉल्व करें, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये इधर आएगा 3x, ये माइनस 2/3 आएगा। चलो, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये x क्या आ जाएगा, इस साइड भेजो तो ये 5x आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। नहीं तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस 4/5। क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। अब चलो, आपने जो केस कंसीडर किया है, क्या उस केस में कौन सा फिट बैठ रहा है और कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, क्या ये वाला चलेगा? यस सर। और ये वाला चलेगा क्या? नो सर, याद नहीं, नहीं चलेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन आपको केस के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि केस आपने मान लिया ना जो एक्स अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? माइनस टू बाई थ्री। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को थोड़ा बहुत, अगर दोनों साइड, चलो थ्योरी थोड़ा बात कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। अगर सोचो इधर भी, आप सोचो अगर इधर मॉड ए है और इधर मॉड बी है, तो इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं सोचो? क्या तुम एक चीज बोल सकते हो, जो सर मॉड टू इक्वल्स टू मॉड टू भी हो सकता है, और माइनस टू का जो मॉड है ये भी मॉड टू के इक्वल हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, एक बार बता दो मुझे। एक तो बोलोगे सर a इक्वल्स टू b हो जाए, ये भी चलेगा, और दूसरा
क्या a इक्वल्स टू माइनस b बोल दे तो क्या चलेगा? मतलब एक बार दोनों का साइन सेम रख लो, एक बार दोनों का साइन मतलब एक दूसरे के अपोजिट रख लो, चलेगा क्या? यही दो पॉसिबल है ना, या दोनों माइनस हो गए। हाँ, या दोनों माइनस हो गए तो माइनस माइनस गायब कर दोगे ना, तो माइनस माइनस गायब कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो प्लस जैसा हो जाएगा। बताओ भाई। यस सर। हाँ ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तो हमने बोल दिया मॉड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस थ्री है, इसको सॉल्व करो क्या होगा। तो क्या आप यहां से दो बातें करोगे, ऊपर जस्ट आपने पढ़ा है, एक तो बोल दोगे जो x प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, फिर बोलोगे भाई ये क्या चल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो कोई बात नहीं अपोजिट साइन ले लो, x प्लस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, ऐसा बोलोगे? बताओ, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। यस सर। यस माइनस टू, सॉरी माइनस टू नहीं माइनस फोर हो जाएगा, ऐसा लिखोगे। तो यहां से देखो x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस टू, और क्या यहां से लिखोगे x इक्वल्स टू फाइव, ये तो इक्वल नहीं होता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या लिखोगे, क्या ये x इक्वल्स टू माइनस टू आंसर आएगा? यस सर। चलेगा ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए। सर इसका मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं ना कि x की मतलब वो वैल्यू रखें जिसमें दोनों तरफ सेम आंसर है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इसी में सर इस क्वेश्चन में। सोचो ना यहाँ पे आप क्या क्या लिखते हैं अगर मॉड a, समझ गया ना? हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, अगर माइनस इक्वल्स टू माइनस बी हो चाहे ये प्लस प्लस हो, तो अपने को पता है ये दोनों क्या अपन सेम ही लेंगे नहीं जी, और एक अपोजिट साइन का। यस ठीक है। यस यस गुड, समझदार तो हो तुम लोग, बस थोड़ा स्लो चलते हो। चलो यहां से देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो तो कैसे करें। जब दो मॉडुलस फंक्शन आया तो क्या आप इनको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको बताओ। तो करना पड़ेगा सर, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा? 2 and 7। थोड़ा फास्ट फास्ट बोलना है अब, क्योंकि इन सब चीजों से तुम ऊपर उठ चुके हो, बच्चों वाली चीजें हैं ये। अब बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, 2 के राइट साइड में होगा क्या, और 2 के लेफ्ट साइड में क्या ये नेगेटिव होगा? नेगेटिव। यस सर। और मॉड x माइनस 7 जो है ये पॉजिटिव कब होगा, तो 7 के राइट साइड में, 7 के राइट साइड, और 7 के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या अपन इसमें तीन केस बनाएंगे, बताओ। केस वन, if x greater than equals to 7, अगर 7 से बड़ा होगा तो क्या दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, बताओ। अरे होगा क्या, अरे बोलिए। यस सर। तो 7x minus 2 और minus x minus 7 equals to 5 बोलोगे। अब इसको सॉल्व करो, इसको अपन ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये 7x minus 14 और minus x plus 7 equals to 5 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये 6x और इधर ये minus 7 equals to 12 आएगा, क्या ये x equals to 2 आया, बताओ। ऐसा लिखोगे चलेगा? हेलो yes, अब देखो, तो इसका इंटरसेक्शन अगर इसके साथ लोगे तो क्या अपन बोलेंगे, तो 5 आएगा, x इक्वल्स टू 5 आएगा, क्योंकि ये बोला 2 और ये बोला 7 से बड़ा होना चाहिए, मैच ही नहीं किया, 5 आ गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2,
अब क्या बोलोगे, जो x अपना क्या होना चाहिए, 7 से छोटा रखेंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 7। तो आपको पता है इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, चलेगा? तो भाई yes, sir. तो अपन बोलेंगे ये 7 इंटू एक्स माइनस 2 और ये वाला नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बोलो यही लिखोगे ना? ठीक है, तो यहां से ये आ गया 7x माइनस 14 प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 5। क्लियर है? और इसको अपन लिखेंगे 8x और माइनस सॉरी 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 21 और इधर ये 5, तो कितना हो जाएगा 26। तो बताओ x इक्वल्स टू कितना बोलोगे, क्या ये 13/4 बोलेंगे? और देखो तो 13/4 जो है क्या वो इसके बीच लाई कर रहा है, कर रहा है, तो ये वाला पार्ट अपन रखेंगे, चलेगा? Yes, sir. अब अपन देखते हैं केस थर्ड क्या लिया जाएगा। तो कह सकते हैं ये x लेस देन 2, और x लेस देन 2 में क्या होगा, दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा बोलोगे आप? हेलो, यस सर, दोनों दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या ये माइनस 7 x माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस एक्स माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 5, चलेगा? अब देखो तो क्या लिखोगे, माइनस 7x प्लस 14 प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, तो माइनस 6x इक्वल्स टू, ये इधर 7 हो गया वो उधर जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। क्या ये 1/3 अपन रखेंगे, इसका इंटरसेक्शन लो तो इसके साथ, चलेगा? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता दो, क्या x इक्वल्स टू 1/3 एंड x इक्वल्स टू 13/4 बोलोगे? यस सर। ठीक है भाई, चलेगा? आ गया तुम लोगों को? चलो इससे थोड़ा और लेवल अपन बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि थ्योरी के नाम पे तो कुछ है नहीं, एक सोचो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तभी से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 मॉड माइनस 2 इक्वल्स टू 6x प्लस 8। क्या सर एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन दिखा दिए प्लीज। सर लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन कलम। ठीक है सर, इसमें सर आंसर x इज इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, उसको नहीं मतलब इसमें कंबाइन करेंगे साथ में, क्योंकि ग्रेटर देन 1 तो है ही। हाँ, ग्रेट, यहाँ पे केस जो तुमने लिया था, केस क्या था तुम्हारा, ग्रेटर देन 7 ना, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो क्या फाइव आएगा। यस सर, समझ गए। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो अच्छा है, राइट साइड वेरिएबल है। अब जैसा अपन सिंपल सा सोचते हैं, क्या सोचते हैं भाई, जो अगर मॉड है तो इस वाले को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव में तो काम चलेगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला केस लेना पड़ेगा, बताओ। हेलो, यस सर। तो क्या आप केस लोगे जो 6x प्लस 8 जो है ये अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो है वो अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4/3 तो होना ही चाहिए। अब सोचो, अब क्वेश्चन अपन करते हैं, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो इसका इंटरसेक्शन अपने को लेना पड़ेगा इसके साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहुंच गए मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू, सोचो ये k लिखा हुआ है,
अगर k लिखा रहता है तो क्या बॉक्स इक्वल्स टू क्या बोलते हो, प्लस k और माइनस k, दो पार्ट में बांटते हो। तो एक तो बोल दोगे बॉक्स क्या है यहाँ पे, मॉड x माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स एक्स प्लस एट, और दूसरा क्या बोल दोगे, मॉड x माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स प्लस एट बोलोगे, बताओ प्लस माइनस k आया यहाँ पे। जो तुमने कॉन्सेप्ट यूज किया है ये बॉक्स इक्वल्स टू ये k है, तो तुमने बोला दो पार्ट में बांट लो, एक इक्वल्स टू k कर दो, दूसरा माइनस k कर दो, यही आपने यूज किया है। यस सर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो ये क्या आ गया, मॉड x माइनस वन इक्वल्स टू क्या ये 6x प्लस 10 आया, और इधर क्या आ जाएगा, क्या ये x माइनस वन इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स, और ये माइनस एट होगा तो प्लस कितना, सिक्स होगा, सॉरी माइनस सिक्स होगा, माइनस सिक्स, ठीक है चलेगा। अब सोचो फिर से भाई ये वेरिएबल आ गया केस, यस सर केस, फिर से केस होगा, नॉट पॉसिबल होगा, हाँ वो बाद में देख लेते हैं, राइट वाला नॉट पॉसिबल होगा, वो आप यहां से भी देख सकते हो, क्योंकि x जो है आपका माइनस फोर अपॉन थ्री है, इससे तो बड़ा वाला ही लेंगे ना अपना फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा, तो सोचो माइनस फोर अपॉन थ्री रखें तो ये कितना होगा, यहाँ पे फोर रखो माइनस फोर रखोगे थ्री, यानी कि माइनस प्लस एट हो जाएगा, नहीं कह नहीं सकते। चलो तो अब यहाँ पे आप बोलोगे जो लेट सिक्स एक्स प्लस टेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x जो होगा अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन थ्री होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ऐसा आपने कंसीडर किया, मतलब वो क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे आ गया। तो बहुत सारे मॉड होंगे तो हम लोग केसेस बनाते जाएंगे क्या? हाँ करेंगे, ऐसे ही करेंगे, या फिर अपन इसको ग्राफ से करेंगे, ग्राफ से इजी सा हो जाएगा, जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो तो अब सोचो अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो क्या अपन इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, एक तो बोल दें जो x माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स एक्स प्लस टेन, और x माइनस वन इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स माइनस टेन, ऐसा बोल दें, बताओ। अब देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू माइनस 11, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 11 अपॉन 5, ऐसा बोलोगे क्या आप? यस सर। और इसको इधर ले आओ तो 7x, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 9, x इक्वल्स टू क्या ये माइनस 9 अपॉन 7 होगा, यस यस सर, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे ये केस लिया, इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से, ये जो आपका है ये है माइनस फाइव अपॉन थ्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो तो क्या अपन इसको हटा दे, yes, क्योंकि ये तो उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा है, क्लियर है ना। अब इसको अपन yes, इसको कंसीडर करेंगे, yes, है ना, यस सर यस सर, चलेगा, यस सर। अब एक पार्ट और बच गया तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, बोलोगे एक तो x माइनस वन जो है ना ये माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स के इक्वल हो जाए, और दूसरा ये जो x माइनस वन जो है ना ये सिक्स एक्स प्लस सिक्स के इक्वल हो जाए, ऐसा बोलोगे, बताओ सर। हाँ जी सर, 6x plus 10 greater than equals to 0, लेकिन less than equals to less than 0 नहीं लिया, कहाँ पे जो 6x plus 10 हम लोगों ने greater than equals to 0 let करा था। हाँ सोचो ना, अगर ये राइट साइड तुम लेस देन जीरो ले लोगे तो क्या मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेफ्ट साइड तो मॉड है ना। यस सर सही सही, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से ये x का वैल्यू क्या आएगा, क्या ये माइनस फाइव अपॉन सेवन आएगा सर, लेकिन यहाँ पे भी केस नहीं लेटेंगे। हाँ सर, सर यहाँ पे हमने नहीं किया
let minus 6 x minus x is greater than equal to 0. कहाँ पे नहीं किए सर इसी और यहाँ पे हाँ करो करो करना है वो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहाँ से एक्स क्या बोलोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन हो जाएगा क्या लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन बोलोगे यस सर यस सर ठीक है ये करना है अपने को लेट करना है भाई चलेगा तो यहां से एक तो आया x इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन सेवन क्या ये माइनस फाइव अपॉन सेवन जो है क्या ये माइनस वन से छोटा है नहीं है बताओ है क्या अरे नहीं है ना इसमें क्या सोचना है बड़ा है सर बड़ा है तो ये नहीं लेंगे अब सोचो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस सेवन अपॉन फाइव आएगा ठीक है ना यही आ रहा है तो इसको तो कंसीडर करेंगे इसको तो अपन लेंगे इसके हिसाब से माइनस वन से छोटा है बिल्कुल छोटा है तो अब सोचो तुम्हारे पास ना अभी तक एक्स का वैल्यू दो आया अब दोनों का फाइनल जो अपन ऊपर में कंसीडर किए थे उसके साथ देखना पड़ेगा एक तो ये आया और दूसरा तुमने बोला यहां से माइनस सेवन अपॉन फाइव आया अब सबसे ऊपर चलो जब तुम बात किए थे जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे ये बोला था x ग्रेटर देन माइनस फोर अपॉन थ्री होना चाहिए तो माइनस फोर अपॉन थ्री होना चाहिए तो ये वाला तो चला जाएगा ना माइनस x अपना ग्रेटर देन माइनस फोर अपॉन थ्री होना चाहिए ठीक है ना हेलो यस सर यस सर तो क्या तुम बोलोगे जो इसमें से कौन सा वाला पार्ट अपना चला जाएगा कौन सा वाला रखेंगे अपन एक तो माइनस नाइन बाय सेवन माइनस नाइन अपॉन सेवन माइनस सेवन बाय फाइव रखेंगे ना सर माइनस सेवन बाय फाइव रखेंगे और डिवाइड करके देखो तो कितना आ रहा है क्या ये वन पॉइंट फोर आएगा तो ये वाला अपन हटा देंगे अरे दोनों का वैल्यू निकालो ना ये वाला हट जाएगा तो x इक्वल्स टू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस नाइन अपॉन सेवन आएगा यस सर यस सर यस सर क्या आ रहा है 1.2 आ रहा है इसका क्लियर है सबको यस सर ठीक है हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मॉड 2x square minus 3x plus 1 equals to mod x square plus x minus 3 ठीक है ना इसको सॉल्व करो तो क्या होगा क्या ये mod a equals to mod b टाइप का है यहां से अपन दो पार्ट में ब्रेक करते थे एक तो बोलते थे a equals to b कर लो दूसरा बोलते थे a equals to minus b कर लो ऐसा बोलते थे क्या तो यहां से ये क्या हो जाएगा क्या ये 2x square minus 3x plus 1 equals to क्या ये x square plus x minus 3 होगा और इधर क्या बोल दोगे 2x square minus 3x plus 1 equals to minus x square minus x plus 3 होगा yes ठीक है तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा क्या अपन बोलेंगे इधर ये x square minus 4x minus 4x प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो तो क्या ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होगा और क्या यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एक तो टू आ गया दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो होगा और एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो फोर प्लस फोर इंटू टू इंटू थ्री अपॉन टू ए तो टू टू से गायब कर दो तो क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस क्या ये वन प्लस सिक्स अपॉन थ्री होगा और क्या बोल देंगे वन प्लस माइनस रूट सेवन अपॉन थ्री होगा तो ये और ये दोनों आंसर होगा चलेगा यस सर यस सर हाँ जी पूछो ए इक्वल्स टू माइनस बी क्यों सपोज करते हैं A equals to minus B क्यों सपोज करते हैं क्या करना चाहते हैं
हाँ मतलब सर mod equals to mod b है तो फिर a equals to minus b का क्या सेंस? अरे सोचो ना, यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे क्या ये माइनस 2 रख लोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा क्या? दोनों तो सेम ही होगा ना, मॉड लगा हुआ है ना, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूँ अगर ये a के जगह पे ये है और b के जगह पे ये हो तब भी तो दोनों का वैल्यू सेम होगा? फाइन सर, क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। चलो yes, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आज का यहीं पे एंड करेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा बताओ। तो दो इक्वेशन बना लेंगे सर, माइनस एक्स 7x की प्लस 7x। ठीक है, इसने बोला सर यहाँ पे मॉड एक जगह आ रहा है तो अपन ऐसा कर लेते हैं, मॉड x को डिफाइन कर लेते हैं। ये x होता है कब? जब x अपना क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और माइनस x होता है कब? जब x अपना लेस देन 0 है। तो क्या दो केस ले लें? केस वन सर, ऐसे नहीं कर सकते कि 7 mod x को आइसोलेट कर लें और फिर minus x squared minus 10 को अलग रख लें, x square plus 10 को अलग रख लें और 7x को mod 7x को क्या करें? अलग रख लें सर, अलग रख के फिर क्या होगा? अभी तक जो कर, हाँ फिर वही जो अभी तक करे तो इसमें भी कर लेंगे कि वो greater than 0 होगा। आ ही नहीं सकती ना सर वैल्यू, क्योंकि सर हमेशा हाँ सारी चीजें पॉजिटिव ही है। तो सर अगर जैसे स्टार्टिंग में मॉड मॉड जिस मॉड को जो है इग्नोर कर दें, रूट्स निकाल लें, फिर लास्ट में मॉड लगा दें एक्स पे, वो नहीं हो पाएगा? चलो इसको तीन मेथड से करते हैं। अब तुम लोग इतना सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। पहला जो सोचा उसने सही सोचा आपने। अब सोचो पहले केस से, जैसे कोई सिंपल सा सोचेगा बच्चा, उसको देख लेते हैं क्या बोलेगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 होगा? और इसका फैक्टर आप बता दो क्या लिखोगे? क्या ये x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा? यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2 और माइनस 5 आएगा, बताओ। यस सर। और यहाँ पे देखो आपने बोला जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या इसको अपन कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, बताओ होगा क्या? नो सर, नहीं होना चाहिए। नो सर, नहीं होगा। दूसरा केस ले लेते हैं, केस टू। अगर अपन बोल दे इफ एक्स लेस देन 0, तो ये जो मॉड है नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो इसका फैक्टर जा जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 2 और 5 आ गया। अब देखो sir, इसको और इसको देखो, तो फिर इसको बोलोगे sir, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे? हाँ जी सर, एक चीज समझा दीजिए सर, मॉड तो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा ना हमेशा? ओपन जब होगा। तुम ना इतना पढ़ के तुम क्या कर रहे हो बताओ? यहाँ पे अपने को पता है जब मॉड के अंदर अगर निगेटिव होता है, मॉड के अगर अंदर निगेटिव होता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, अगर मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं। कितना और एक ही चीज बताओ, मैं बताऊँ? ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 5 आएगा। ये सबको समझ में आया बताओ? यस सर, यस सर। अब दूसरा मेथड एक बच्चा जो बताया है वो देखो उसने क्या बोला। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। जैसे अभी इससे पहला क्वेश्चन किए थे, तो ऐसा कर लेते हैं, तो 7 मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या मैं इसको लिख दूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10, और मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 7, ऐसा बोल दें? Yes, sir.
अब सोचो राइट हैंड साइड जो है क्या वो पॉजिटिव नंबर है? आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। अब इसमें क्या करो, प्लस प्लस सेवन कर दोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, और इधर भी क्या हो जाएगा सेवन, सेवन नहीं टेन है ना, तो टेन कर दो प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस टेन है ना। यस सर। हाँ तो 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, कहिए एक्स स्क्वायर प्लस 10, और इधर भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 हो जाएगा, चलेगा? अब देखो नीचे में 7 है तो 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 7 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 10 अपॉन 7 होगा, यानी कि इसका लिस्ट वैल्यू जो है ना वो क्या है, 10 अपॉन 7 है। अब अगर अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अपन बोलेंगे, ये तो भाई छोटा होगा, किससे, नेगेटिव नंबर होगा, और ये जो है क्या अपन कहेंगे इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो लेस देन माइनस 10 अपॉन 7 बोलोगे और ये नेगेटिव है। मॉड अपना नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो क्या अपन बोलेंगे एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 5। क्लियर है? चलो यस सर। अब सर एक बार और बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे देखो यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, ये तो लिखना सिंपल सा है। यस सर। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड क्या हमेशा नेगेटिव होगा, बताओ? यस सर, समझ गया, वो ब्रैकेट के अंदर पूरा नेगेटिव होगा। हाँ, ब्रैकेट के ये जो बॉक्स बना है नेगेटिव, ये तो बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके क्या कर दिया, पूरे को नेगेटिव कर दिया। अच्छा, समझ गया सर, समझ गया, सिंपल सा है। अब तीसरे तरीके से कैसे सोचेंगे इसको, मेथड थर्ड। अब देखो यार, कभी भी जो एक्स स्क्वायर लिखा रहता है ना, इसको अपन लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर, समझे? हेलो। क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और मॉड एक्स का स्क्वायर अगर करोगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस सेवन मॉड एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो था। अब इसमें क्या करो, जो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे, तो मॉड एक्स स्क्वायर से। तो देखो क्या ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, बताओ क्या ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया? यस सर। तो क्या इसका फैक्टर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस टू इंटू मॉड एक्स प्लस फाइव होगा इक्वल्स टू जीरो। यस सर। कहने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो मॉड एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और मॉड एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो सोचो तुम बोलोगे भाई मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू और मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। तो यहां से भी क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू फाइव, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपको जो सा भी मेथड पसंद आए उससे सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते फिर अपन मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू सर। चलो 2 to the power mod x plus 1 plus 2 to the power mod x equals to 6, ठीक है ना? एंड बोला है जो x belongs to integer, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे देखते हैं। क्या किया जाए, केस बनाओगे? हेलो सर। लेकिन कैसे बनाया सर? कैसे, दो मॉड आया, ठीक है ना? क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकते हो क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट जीरो माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और जीरो आया, क्लियर है?
यस सर ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सोचो अभी, किस कोई सा भी क्वेश्चन वैसा नहीं होगा, बेसिक अगर आपका क्लियर है ना तो सॉल्व कर लोगे, बस हिम्मत होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ घबराना नहीं है, फाइटर बनना है। कैसे नहीं होगा सॉल्व, जब हमें चीजें आता है तो सॉल्व कैसे नहीं होगा। अब सोचो अगर यहाँ पे इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या अपन बोल सकते हैं जो मॉड एक्स प्लस वन जो है भाई, ये किस पार्ट में पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, आपको पता होगा क्या? अगर माइनस वन से बड़ा होगा तो क्या ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा? यस सर। और माइनस वन से छोटा पे क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होगा? यस सर। अब देखो यहाँ पे मॉड एक्स जो है क्या ये जीरो से बड़ा पे पॉजिटिव के साथ और जीरो से छोटा में निगेटिव के साथ, क्या अपन इसमें तीन केस ले लें? यस सर। केस फर्स्ट, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स अपना जीरो से बड़ा हो, तो अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है तो कर दो। यस सर। तो क्या होगा, टू टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, सिक्स है। अब इसको सॉल्व करना क्या टफ काम है क्या, इसको 2 इंटू टू टू द पावर x नहीं बोल देंगे, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 6 नहीं बोल देंगे क्या, ये यहाँ से 3 इंटू टू टू द पावर x नहीं हो जाएगा अगर 2 टू द पावर x, अरे 1 आ रहा है x यहाँ से, तो यहाँ पे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये देखो 2 आ रहा है यानी कि 2 टू द पावर 1, तो क्या x इक्वल्स टू 1 आया। और तुमने जो केस लिया है वो जीरो से बड़ा है तो बिल्कुल सही है, इसको चलेगा। क्लियर है? ये कैसे पता करते हैं कि x is greater than zero लेने की x is greater than equals to zero? देखो अभी तक जो अपन डिफाइन किए हैं उसमें क्या बोले हैं, जो एक तो greater than equals to zero वाला पार्ट ले लो, एक क्या लो less than zero वाला पार्ट ले लो। अरे हमेशा जो मॉड को डिफाइन किए हैं तो यही किए हैं ना, अंदर वाला पार्ट greater than equals to zero, अंदर वाला पार्ट less than zero, ठीक है ना। देखो जीरो किसी के साथ ले लो, माइनस के साथ ले लो या फिर प्लस के साथ ले लो, लेकिन एक चीज फॉलो होना चाहिए पूरे इनक्वालिटी में तुम्हारे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर चलो केस टू अपन बात कर लेते हैं। केस टू क्या अपन कह सकते हैं जो एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन और लेस देन जीरो। देखो एक बार तुमने जीरो कंसीडर कर लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो अब क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। यस सर। और माइनस वन को कंसीडर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन और लेस देन जीरो। तो इस वाले पार्ट में देखो जो ये पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो क्या तुम बोलोगे तो टू टू द पावर यहाँ पे x प्लस वन ये पॉजिटिव के साथ और प्लस टू टू द पावर ये माइनस एक्स आएगा इक्वल्स टू सिक्स बोलोगे। क्लियर है बताओ? यस सर। चलेगा ठीक है, तो इसको क्या लिख दें, क्या ये टू इंटू टू टू द पावर x प्लस क्या इसको वन अपॉन टू टू द पावर x लिख लें इक्वल्स टू सिक्स, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्यों घबरा रहे हो? नो सर नो। ठीक है लेट कर लो, लेट टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी, थोड़ा और अच्छा लिख दिखेगा। तो देखो क्या ये टू टी प्लस वन बाय टी इक्वल्स टू सिक्स है, तो क्या इसको लिख सकते हैं टू टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स टी, ऐसा बोलोगे। तो यहां से देखो क्या आ गया, टू टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यही आएगा। अब देखो तो यहां से टी का वैल्यू क्या लिखोगे, टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसा बोले। यस सर। चलो तो ये आ गया सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेंटी एट अपॉन टू इंटू टू, तो ऐसा करो इसको टू से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री प्लस माइनस क्या ये अंडर रूट सेवन आ जाएगा और नीचे में टू आएगा। यस
और t क्या था तुम्हारा, 2 to the power x था, क्या यही बोलोगे? Yes, sir. तो देखो एक तो आ गया 2 to the power x इक्वल्स टू तुम्हारा 3 plus root 7 upon 2 और 2 to the power x इक्वल्स टू आ गया 3 minus root 7 upon 2 दोनों पॉजिटिव है और 2 to the power x तो अपने को पता है हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू कैसे निकाल ले, क्या यहाँ पे लॉग ले लें जिसका बेस क्या हो 2 हो, क्या ये लॉग अप्लाई करें तो इधर क्या इंडिपेंडेंट हो जाएगा? देखो 2 to the power x to the base 2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे log 3 plus root 7 upon 2 to the base 2 और यहां पे भी लिख दो log 2 to the power x to the base 2 इक्वल्स टू log 3 minus root 7 upon 2 to the base 2 तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या ये log 3 minus root 7 upon 2 to the base 2 और ये आ गया x इक्वल्स टू log 3 plus root 7 upon 2 to the base 2 क्या ये समझ में आ रहा है तुम सबको? हेलो सर, देखो कि ये टफ नहीं है, आपको थोड़ा log का भी प्रॉपर्टी आना चाहिए, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा वाला देखा लेकिन हाँ ठीक है ना चलेगा। yes, अब एक केस और बच गया, क्या बचा है जब माइनस वन से छोटा हो, तो माइनस वन से छोटा होगा तो क्या दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होगा? केस थर्ड, एक चीज हमने छोड़ दिया, भूल गए हम लोग, इसका इंटरसेक्शन तुमको इसके साथ लेना पड़ेगा माइनस वन और जीरो के बीच में कौन कौन सा है इसमें से, और आप देखो ऊपर ने बोला है जो ये एक्स अपना इंटीजर भी होना चाहिए, तो इंटीजर अभी तक एक ही आया अपना, ये जो है ये इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर है, ये क्या इंटीजर है? नहीं है ना इंटीजर की इक्वल, नो सर, और ना ही ये इंटीजर है, तो इन दोनों को तो अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो केस लेने से केस के साथ इंटरसेक्शन लेने ले ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी इसको हटाएंगे क्या? अरे जो सॉल्यूशन आता है तो उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ना केस के साथ, वो आपने भूल गए हम भी छोड़ दिए, और सोचो एक्स अपना इंटीजर होना चाहिए तो इन दोनों को तो हटा ही देते हैं, होगा ही नहीं सॉल्यूशन का पार्ट। सर अगर फिर भी सॉल्व करना होता तो कैसे करते इसको, मतलब कैसे इसकी वैल्यू निकालते? वैल्यू तो नहीं आता तो सर पता ही नहीं चलता है अगर इंटरवल में है या नहीं, अगर ये कंडीशन नहीं होती। हाँ, ये आपको पता चल जाता जो ये जो है ना वो माइनस वन और जीरो के बीच में इसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता चल जाता आपसे। कैसे? सोचो अगर ये वन पे जो होता है ना लॉग, वो क्या देता है वैल्यू? जीरो देता है अगर आर्ग्यूमेंट वन हो तो। अगर ये वन से बड़ा है, अगर ये वन से बड़ा है तो क्या अपन कहेंगे, जब बेस अपना क्या होता है वन से बड़ा होता है और आर्ग्यूमेंट भी अगर वन से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देख लो दोनों का आर्ग्यूमेंट जो है, क्या पहले वाले का आर्ग्यूमेंट क्या वन से बड़ा है? बिल्कुल है। अब दूसरे का आर्ग्यूमेंट वन से बड़ा नहीं, वो निगेटिव देगा। ये वाला जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आर्ग्यूमेंट जो है इसका क्या वो वन से छोटा है? पीछे का सब कुछ भूल गए हो। यस सर छोटा है। यस सर समझ में आ गया। अब जो ग्राफ ड्रॉ करते हो क्या ऐसा होता है? देखो ये वन पे जीरो देता है, ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस टू ले लो। अब वन से छोटा है ये तो निगेटिव देगा, और लेकिन ये क्या है? वन से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। ये जो है ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर आपको? यस सर। यस सर। अब सोचो x अगर माइनस वन से छोटा होगा तो दोनों क्या निगेटिव के साथ ओपन होगा? बिल्कुल होगा। ऊपर में हमने देख लिया यहाँ पे निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है ना, देख लो अगर वन से छोटा है तो। अरे हो रहा है ना? यस सर। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या ये 2 to the power minus
एक्स प्लस वन प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू सिक्स। तो ऐसा कर लो, क्या इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू सिक्स? ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है तो बता दो मुझे। नहीं होना चाहिए, सही है सर। टू टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ गया वन बाय टू प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स। तो क्या अपन कह सकते हैं टू टू द पावर माइनस एक्स इंटू थ्री बाय टू इक्वल्स टू सिक्स? क्या इसको गायब करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये टू होगा, तो यानी कि टू टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 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 द पावर टू। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू माइनस टू होगा? यस सर। और इसको अपन कंसीडर करेंगे, ये इंटीजर भी है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। नहीं यस सर। तो आंसर अपना क्या आ गया? माइनस टू वन वन। ऊपर वाला क्या था? वन था सर। वन था और वन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन था लेकिन उसमें क्यूबिक इक्वेशन था। ओके ठीक है ना सर। इस क्वेश्चन बोलो सर, इस क्वेश्चन में देख के तो सर आंसर पता चल जा रहा है कि वन और माइनस टू होगा। हाँ तो देख के पता चल रहा है ना, लेकिन हमें नहीं पता सर, क्योंकि क्वेश्चन में देख के रखा कि सर कोई मतलब फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं, तो पॉजिटिव भी आएगा सब तो सर। हाँ, उसे लेकिन फिर देख के बताते तो फिर तुम इतना सीखते सॉल्व करना। हाँ सर, हमारा काम तो तुम्हें सिखाना है ना। चलो